हेलो एवरीवन, ये है विट्यूज़ुअल और आज हम ऑटो कैड की ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ ड्राइंग्स हैं ट्राई करेंगे सभी बनाने की, लेकिन देखते हैं कितनी हो पाती है। फर्स्ट है सिंपल सपोर्टेड बीम, सेकंड है आपका कंटिन्यूस बीम, उसके बाद आपको कैंटिलीवर बीम, टी बीम, उसके बाद है आपका टी बीम विद सेक्शन, तो उसके बाद आपका ये है एल सेक्शन। ये सब बनाने की हम कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हम वीडियो बनाएंगे सिंपल सपोर्टेड बीम। ये बीम डिटेल भी हमें दी हुई है, डायमेंशन हमें दी हुई है सारी, जो नहीं होगी वो हम एज्यूम कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ऑटोकैड 2014 है मेरे पास। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि एज्यूम नहीं करेंगे, डायमेंशन हमें दी हुई है एमएम में, तो हम यहाँ पे एमएम लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डी डब्ल्यू जी यू एन से यूनिट चेंज करनी है। जैसे आप डी डब्ल्यू जी यू एन टाइप करेंगे, डी डब्ल्यू जी यू एन एंटर, तो ये विंडो आ जाएगी। इसमें आपने देखा कि 3 प्रेस करने पर मिलीमीटर हो जाएगी, तो 3 एंटर। उसके बाद प्रिसाइज, डेसिमल एंड साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब है 10 की पावर में इस तरह से यूनिट्स आएंगी, और डेसिमल का मतलब है पॉइंट, इस तरह से वैल्यू आएगी। तो हमें डेसिमल चाहिए, तो हम डेसिमल के लिए 2 प्रेस करते हैं एंटर, और प्रिसाइज पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 एंटर 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 एंटर। इसको हम स्कैप से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं लाइन डायग्राम। सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये 300 mm डेप्थ है और ये पूरा एक रेक्टेंगल है जिसका साइज है 300 डेप्थ, और आपकी लेंथ है इसमें 4.5 है आपका, यहाँ से यहाँ तक 4.5, और ये है आपका 200 200 400, तो 4.9 मीटर, यानी कि 4900 mm, 900 × 300 mm डेप्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन कमांड कहीं पर भी जहाँ भी ड्रॉ करना है इस पूरे स्पेस में, क्लिक किया और कितना 4900 एंटर, नीचे आपका 300 डेप्थ एंटर, और उसके बाद 4900 एंटर, और आपका 300 एंटर। ओके, रेक्टेंगल बन चुका है, स्कैप बटन से हम कमांड से हट चुके हैं, बट ये लाइन डैश डैश आ रही है, इसको कैसे ठीक करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय लेयर मैं कंटिन्यूस लाइन कर देता हूँ, पर ये ड्रॉ हो चुकी है, तो मैंने कंटिन्यूस लाइन की और एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या किया, एम ए कमांड, मैच कमांड से हमने इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर दी, ठीक है। ई आर ए इरेज, और ये हमने इस कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल बन चुका है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, सपोर्ट। सपोर्ट में हमें ये हम एज्यूम कर लेते हैं 300 ही, ठीक है, और विड्थ हमें 200 गिवन है। तो लाइन एंटर, 300 200 एंड 300। अब क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी करते हैं, सपोर्ट को यहाँ से उठाते हैं, और सॉरी सी ओ से कॉपी, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, उठाना इसे यहाँ से है क्योंकि वहाँ कॉर्नर पे हम मिला देंगे इसको, ठीक है। सपोर्ट बन चुकी है। अब इसके बाद हम करते हैं ये मैशिंग, ठीक है। मैशिंग के लिए एच ए एंटर, यहाँ से पिकअप किया ये पॉइंट और ये पॉइंट एंटर। अब यहाँ से किस टाइप की चाहिए, देखें, अगर हम यहाँ पे इस तरह की हैं डबल लाइन इंक्लाइन, ये कोई भी ले लेते हैं, ओके ओके, बट ये आप देख रहे हो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इनकी, तो एच ई से होता है एडिट, इस पर क्लिक किया एडिट, और स्केल बढ़ा देते हैं हम 10। अब ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमें बनाना है ये कंटिन्यूस का सिंबल, इसको हम रफली बना सकते हैं, किससे हम रफली बना सकते हैं इसको, लाइन डायग्राम से। हम ऐसे करते हैं, एक
लाइन बीच में और एक ये और एक ये, इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, रफली लाइन, इसका साइज रखते हैं हम 20 और ये हमारा 200 था, इसको रखते हैं 100 और इसको रखते हैं हम 40। ये इसलिए किया मैंने, इसे 20 ऊपर 20 नीचे, रेफरेंस लाइन है। ठीक है, फिर मैंने लाइन किया ड्रॉ और F8 से ऑर्थो ऑफ किया और इससे मैंने कोई पॉइंट यहाँ मिला देता हूँ, कितना एंगल जो इक्वली दिखे, अच्छा दिखे, एंगल ले लेते हैं हम 130। ठीक है, टैब दबा के 130 डिग्री। अब हमने क्या किया, दोबारा लाइन डायग्राम ली और यहाँ से हमने वहाँ पे 130 लिया था, तो क्योंकि ये एंगल यहाँ से मेज़र कर रहा है तो हमें 130 यहाँ लेना है, तो ये कितना होगा, ये अगर 130 है तो ये कितना होगा आपका 50। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला टैब प्रेस करके 50। ठीक है, अब TR ट्रिम से डबल एंटर और देखिए यहाँ से, और इरेज कमांड से हमने इसको इरेज कर लिया। क्या ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इसी को, इस सिंबल को कॉपी करते हैं, उठाएंगे सेंटर से। ठीक है, जो उसके सेंटर में ले आके हम रख दें, ये रहा। ठीक है, अब ट्रिम से हम ट्रिम कर देते हैं, ये सिंबल बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, रिइंफोर्समेंट। देखिए यहाँ पे क्लियर कवर दिया हुआ है इन्होंने, क्लियर कवर है आपका, सॉरी क्लियर कवर है 25 mm, ये 25 mm क्लियर कवर है, यानी कि ये गैप कितना है 25। ठीक है, एंड कवर इन्होंने नहीं दिया हुआ है, एंड कवर यानी कि ये डिस्टेंस, इसको हम मान ले, एज्यूम कर लेते हैं 10। ठीक है, और फिर ये वाला डिस्टेंस स्टीरअप का, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, अगर ये ये है आपका सेंटर टू सेंटर 200। ठीक है, तो ये लग रहा है हमें, ये होगा आपका 100, 25, 10 और 100, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ओ ऑफसेट एंटर, इस लाइन पे क्लिक करते हैं, ऊपर की ओर ले आते हैं माउस और हमें चाहिए 25 का गैप, क्योंकि क्लियर कवर 25 है हमारा, ये रहा डाउन वाले से नीचे। ठीक है, अब हम दोबारा से ऑफसेट लेते हैं और हमने कहा था कि यहाँ पे हम लेते हैं 10 का गैप, एंड बार का कवर ये बाहर आ गया, इसे अंदर करना था हमें, एरा अंदर, इसको डिलीट कर देंगे, सेम एज इधर से अंदर की ओर। ठीक है, ओके, अब ट्रिम कमांड लेते हैं, टी डबल एंटर, ये आपका इस तरह से, और ये ओके okay. अब क्या है, इरेज से इसको भी इरेज कर देते हैं। हमने कहा था कि जो एंड कवर है आपका वो 10 mm का गैप हो गया है, इसके बाद एक 100 mm के बाद स्टीरअप है, 100 mm का, उसके बाद 200 200 के बाद स्टीरअप है। ठीक है, ये 200 होगा गैप और ये कितना है 100, बाद में इस लाइन को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो पहले ऑफसेट लेते हैं हम, कितना 100। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं और दोबारा ऑफसेट लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कितना 200। देखिए आप ड्राइंग में 200 दिया हुआ है, स्पेसिंग 200। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक मल्टीपल का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ डाउन की दबा के, सबसे पहले आपको जब ऑफसेट एक्टिवेट हो लाइन पे क्लिक करना है, फिर डाउन की प्रेस करना है,
और यहाँ आ रहा है मल्टीपल का ऑप्शन, बस आपको क्लिक करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये ड्राइंग प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायमेंशंस नहीं पता, हमने एज्यूम की है, यहाँ पर भी नहीं पता, तो इसलिए हमारे एक साइड में स्टीरअप का साइज़ थोड़ा चेंज हो गया। देखते हैं इसको कैसे हम ठीक करें। एक ऑफसेट लेते हैं इसका, इधर 100, ये ऐसे, ठीक है, अगर हम 190 190 लें, ठीक है, रेज। अच्छा, मैं अभी ये वीडियो बनाने बैठा हूँ तो मुझे इसमें दिखाई नहीं दिया कहीं ये दिया हुआ है, अगर किसी को भी आइडिया हो कि मैंने क्या गलती की, किस वजह से ठीक हो जाए, प्लीज़ कमेंट, जो और किसी को भी सीखने को मिले कि इसको कैसे ठीक किया जाए, ये एग्जैक्ट जो ड्राइंग में दिया हुआ है सेम स्पेसिंग नहीं बच रही है। ठीक है, ओके, ये हो चुका है। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं ये वाली स्टीरअप। ठीक है, ये एंगल कितना है आपका 45, और यहाँ से कितना है 900। ठीक है, और ये भी हम मान लेते हैं 25। तो हमने लिया ओ, एंटर, यहाँ से क्लिक किया ऊपर, 25 एंटर, ये रहा। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से 900 की, ठीक है, यहाँ तक के लिए, और इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ की मैंने 900 की ऐसे, रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये लाइन हमें कट करनी है 900 पे, ये वाली लाइन, तो ये कट हो गई यहाँ पे और ये कट हो गई यहाँ पे, साथ में ये स्टीरअप जो बाहर निकली हुई ये भी कट हो जाएंगी। इस तरह से, और इरेज कमांड से हम इसको 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 और इसको इरेज कर देंगे। अब हम लेंगे लाइन, इरेज कमांड हमारा एक्टिवेट है तो इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब लाइन कमांड लेंगे, इस पे जॉइंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ऊपर बाहर निकालना है, F8 ऑफ ऑर्थो ऑफ कर देते हैं, और एंगल ये वाला आपका क्या है 45, तो यहाँ कितना एंगल होगा बताइए, 180 135 है ना, तो मैंने बाहर निकाला टैब 135। इसी तरह मैंने इसमें लाइन कमांड, यहाँ तो 45 ही ले रहा है 45। अब ट्रिम कमांड लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद हमारी ड्राइंग में क्या रह गया है, ओके, उसके बाद डायमेंशन रह गई हैं, और अब ये रह गया एक हमारा यहाँ पे सेक्शन कट बनाना, एक वाई वाई और एक एक्स एक्स। ठीक है, तो हमने एक लाइन कमांड ली, यहाँ पे हमने F8 प्रेस किया, प्रॉपर ले लेते हैं इसको हम, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं ये सेक्शन, ठीक है, और इसमें हम ट्रायंगल बना देते हैं एक मैन्युअली, इसी को हम कॉपी कर देते हैं जिससे दोनों सेम लगें। ठीक है, और इसी को हम कॉपी करते हैं पूरे इसको सेक्शन को, सीओ से यहाँ के लिए, देख लेते हैं कहाँ पे है हमारा, ओके, यहाँ एक्स एक्स यहाँ पे है हमारा। ठीक है, अब इसको डैश डैश बनाना है, तो यहाँ से लेते हैं हम एक डैश डैश वाली लाइन, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, सीधी लाइन नहीं हुई, F8 हवा के, ये रही। अब इस लाइन की जो डेंसिटी थोड़ी और कम करते हैं, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस जो है ना, ये गैप थोड़ा और पास पास हो, तभी तो लगेगा क्योंकि लाइन छोटी है, तो मैं यहाँ गया अदर में, और ये डैश डैश वाले पर क्लिक किया, और यहाँ फैक्टर ले लिया मैंने 10। अगर मैं 10 लेके ड्रॉ करता हूँ,
तो ये और कंटिन्यूस आ रही है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 0.5 लेता हूँ। स्केल फैक्टर शुड बी सेट 1 फॉर प्रॉपर प्लॉटिंग आईएसओ टाइप। ओके, 0.5 ले लिया हमने। अब मैच करते हैं कमांड इससे इसको इसको, ठीक है। हम थोड़ा सा और इसको स्केल इसका कम करके देखें, 0.25। अब ठीक है ना, इनको इरेज कर देते हैं, ये हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं वापस से ले कंटिन्यूस लाइन। यहाँ पे भी हैच करना है हमें, हैच ये ट्राइंगल जो है, और इनको लेते हैं सॉलिड, ये हो गया। अब इसके बाद ड्राइंग में क्या है हमारा, अब ये हम सेक्शन और बना लेते हैं, उसके बाद सारी डायमेंशन और टेक्स्ट लिखेंगे सब, ठीक है। तो हमारा सेक्शन है 300 बाई 300 बाई 250 का, और फिर 25 का क्लियर कवर है, ठीक है। तो हम लाइन कमांड लेते हैं और बनाते हैं एक 300 बाई 250 का स्क्वायर, ऑफसेट मारते हैं इसका 25 क्लियर कवर के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे दूसरे सेक्शन का साइज़ यही है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब टी आर से डबल एंटर, और ये रिमूव करते हैं, हमें तो रिमूव करने के बाद ही कॉपी करना चाहिए था वैसे। ठीक है, अब हमें बार बनाना है। बार का डाया है आपका 16 mm, ठीक है, और कितने, 5 बार ऊपर 3 बार नीचे, तो 5 बार सॉरी 16 mm के 5 3 3 4, ठीक है। तो हमने सी से सर्कल, और क्योंकि रेडियस मांग रहा है तो हमें 16 की जगह 8 डालना है, ठीक है, ये हो गई रेडियस। इसी को हम कॉपी करते हैं, F8 ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे 5 बार हैं, 2 बार, 3 4 और ये 5 ऊपर हैं आपके, 3 बार। अगर आप ड्राइंग में देखेंगे तो एक बार नीचे है थोड़ा, एक बार है आपका यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से स्टीरअप क्योंकि इस तरह से जा रही है इसमें। अब आपको हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो बार है ये इसके सीध में है, ठीक है, तो इस तरह से ही करते हैं हम, इरेज करते हैं इसको और कॉपी करते हैं हम इसको सेंटर से F8 के साथ यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं, ये रहा। अब हम लाइन लाइन कमांड लेते हैं, लाइन कमांड यहाँ से यहाँ तक, और इनको इरेज कर देते हैं, सॉरी इसको इरेज नहीं करना है आपको, इसको इरेज करना है, ठीक है। और टी आर डबल एंटर से इसको ट्रिम करना है, यहाँ पर भी ट्रिम होगा, ठीक है। इसको अभी ठीक करते हैं, इस पे हमने क्लिक किया और इसको पकड़ के हमने यहाँ पे मिला देना है, और इसमें देखिए टच नहीं हो रही है, तो इसको पकड़ के हमें टच करना है,
यहाँ मिला देना, और अब ये ट्रिम हो जाएगा ये इस तरह से हो गया है। अब यहाँ से हमें एक लाइन निकालनी है, देखिए आप इसमें निकली हुई है ऐसे, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर से ये ऐसे आके ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। तो हमने एक लाइन डायग्राम लाइन लिया और ये यहाँ तक इस तरह से। अब हैच करते हैं इसको, सेम सॉलिड है ये तो, सारे सर्कल। अभी यहाँ पर भी ठीक करना है, ठीक है। ये यहाँ पे M से मूव, इस पूरे को उठाते हैं और इसको टच कर देते हैं जस्ट, ठीक है। टच से क्या होगा, ट्रिम हो जाएंगे। M से मूव, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा टच किया, ठीक है। टी आर डबल एंटर, इरेज, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ये वाला डायग्राम, तीन बार नीचे चार बार ऊपर, सेम इसी तरह से बनना है, ठीक है। यहीं से हम कॉपी ले लेते हैं। अच्छा ये हैच मूव हो गया थोड़ा, अब ठीक है। तो हम सी ओ कॉपी करते हैं इस पूरे को, ये सारे एक साथ हो रहे हैं तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं एक, इसको F8 ऑफ करते हैं। एक तो आपका बार यहाँ पे है, चार बार है नीचे हैं तीन बार, एक होगा आपका सेंटर में और एक बार होगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर आपके कितने बार हैं, चार बार, एक होगा यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे और एक होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला बार जो होगा आपका यहाँ है, ठीक है। अब सेम एल से लाइन लेना है और ये आपका ऐसे है, ये देखिए ये ऐसे आ रहा है और ये वाला बार ऊपर से जा रहा है, लाइन कमांड, और ये ऐसे, ठीक है। टी आर डबल एंटर, पहले इसको टच करना है जिससे ट्रिम हो सके, ठीक है। और टी आर डबल एंटर, सॉरी ये थोड़ा सा टच नहीं हुआ है तो इसको हम टच करना है, अब टी आर डबल एंटर इसको हम नहीं हो रहा है तो सिंपल क्या करो आप, टी आर डबल एंटर ये हो गया, यहाँ से कर देते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। एम से मूव, लाइन को क्लिक किया और जूम किया और इसको उठा के इससे लगाया, टी आर डबल एंटर, और ये इस तरह से, सेम हियर। एम से मूव, सर्कल को उठाया और थोड़ा टच करते हुए, इतना भी नहीं रखना है कि हम, टी आर डबल एंटर, ए आर एरेज, एरेज, ठीक है। टी आर डबल एंटर, इसको हम एरेज करेंगे। अब हम करेंगे हैच, ओके लाइन गायब हो गई, इसको हम अभी लगा देते हैं। से लाइन यहाँ से लेना है और यहाँ पे टच कर देना, बस ये बन चुके हैं आपके सेक्शन।
अब क्या रह गया है, बस अब कुछ नहीं रह गया, अब मेजरमेंट रह गई है, ठीक है, और टैक्स रह गया। तो सबसे पहले सेक्शन की है 300 जो मेज़र की हुई है, इसको करते हैं हम, ठीक है, डी आई एम लिखेंगे और हम इसको मेज़र करेंगे, या यहाँ से आप ले सकते हो, ये रहा, पर 300 तो है पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम यहाँ से सेटिंग करेंगे, मॉडिफाई, टेक्स का साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं, 2.5 है, इसको 4 करते हैं हम, एरो का साइज़ भी हम इसको 4 करते हैं। लाइन में देखिए, जब ये जो लाइन होती है ऐसे एरो, तो ये भी ये लाइन हमें बढ़ानी चाहिए थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी ये लाइन, तो इनके लिए ये है आपका, इसको कर देता हूँ मैं अभी 3 और इसको कर देता हूँ मैं 2। अब सेट करते हैं क्लोज, इसको हम इरेज करते हैं, दोबारा से मेज़र करते हैं, दोबारा से थोड़ा सा और इसको बड़ा करना है। टेक्स्ट में गए हम, 4 की जगह कर देते हैं 8, सिंबल को भी कर देते हैं 8, इसको भी कर देते हैं 8 और इसको कर देते हैं 5, सेट, ये रहा। अब ठीक है, इसी तरह से हम लाइन मेजर करते रहेंगे, ये आपकी लाइन, और क्या मेजर करना है इसमें, सॉरी, ठीक है, क्लियर कवर, और ये इसके साथ मेजर करना है, ठीक है, ये हमारा क्लियर कवर था, और हमें यहाँ से मेजर करना है, ये रहा। और क्या मेज़र करना है हमें, 250 हो ही गया है, और ये बार का ये टैक्स लिखना है, ये वाला जो आप देख रहे हैं जी, ठीक है। तो क्या है हमारा, देखिए इसको कैसे लिखना है, ड्रॉ में जाएंगे इसमें, और मल्टी लीडर, ठीक है, और मल्टी लीडर में आप, एक सेकेंड, हम जाएंगे ड्रॉ में लीडर, और हम यहाँ से, एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं ड्राफ्टिंग एनोटेशन, थोड़े से आइकन्स की ज़रूरत है हमें, और यहाँ से हम इसको लेते हैं, इसका डाया हमें लिखना है यहाँ पे, और अगर आप एनोटेट में जाएंगे, यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, एडिट कर लेंगे बाद में, यहाँ पे ऐड का बटन है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, कंटिन्यूस 5 बार 16 डाया के, मेन बार 5 16 डाया, मेन बार, और उसके बाद क्या है इसमें, 2 बेंट अप बार, 2 बेंट अप बार, इसका एरो का साइज़ ठीक करते हैं, थोड़ा एरो का साइज़ ठीक नहीं आ रहा है, मॉडिफाई, एरो का साइज़ करते हैं 10, ये रहा, ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया है। इसी तरह यहाँ पे 3 बार 16 के, और यहाँ पे इस तरह से लिखना है हमें, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, उसी को लेके, मल्टी लीडर को लेके आप लिख सकते हो, और इसमें लिखा हुआ है 3 बार 16 के, इसी तरह आप इसमें ऐड कर सकते हो, सॉरी, इस तरह से, ठीक है। इसका टेक्स्ट आपको बड़ा करना है, एमए कर सकते हो, ठीक है, और बड़ा करना है इसका टेक्स्ट, तो उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, मॉडिफाई,
और यहाँ लीडर कंटेन टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, सेट ये रहा। ठीक है, इसी तरह से इसमें और क्या है आपका, सेक्शन ऑन वाई वाई, सेक्शन ऑन एक्स एक्स, ये लिखेंगे कैसे, तो एम टी टेक्स्ट यहाँ हमने लिखा सेक्शन ऑन वाई वाई, ये लिख दिया, इसको बड़ा करना है तो एम टी एडिट इस पर क्लिक करेंगे तो साइज़ देखिए यहाँ पे ये रहा 2.5 है, इसको 10 कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं हम 10, एंटर ये रहा। और बड़ा करना एक तरीका और है, एस सी स्केल इस पर क्लिक कीजिए और इसको अपने हिसाब से, जैसे मैं 2 times चाहता हूँ तो 2 times बड़ा हो गया है। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ रखेंगे और यहाँ इसको कर देंगे हम एक्स एक्स। ठीक है, इस तरह से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें। और इसमें अब इसकी डायमेंशंस मेजर करनी है हमें, देखिए वही तरीका है सारा चीज़ें, कुछ डायमेंशन मेजर कर देता हूँ मैं कि मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करनी है इसके बाद, और लेंथ ज़्यादा ना हो इसकी, इसीलिए अब आप ये कर सकते हैं अपने आप। इनका भी साइज़ बहुत छोटा आ रहा है तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके टेक्स्ट को कर देंगे 20, एरो के साइज को भी कर देते हैं 15, ओके सेट क्लोज, ये हो गया। ठीक, इस तरह से हम डायमेंशंस को मेज़र करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आप ना बना पाओ। अच्छा, आपको एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि जो लाइंस हैं इनकी आपका डार्क हैं, थोड़ी मोटी हैं, तो वो आप कर सकते हो। आप यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये सॉरी एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये ड्रॉ किए, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो साइज़। अब मैंने एक लाइन बढ़ाई, इसके जो आपका थिकनेस है वो बड़ी है लेकिन वो प्रिंट में दिखेगी, कंट्रोल पी दबाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं पीडीएफ, यहाँ पे ए फोर साइज़ है, यहाँ पे विंडो, देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर को हम सिलेक्ट करता हूँ, प्रीव्यू करते हैं, देखिए लाइन मोटी दिखाई दे रही है प्रिंट में। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। प्रिंट कैसे लेते हैं उन सब के लिए अलग से एक वीडियो बनेगी। अब मेन चीज़ है कि हमें सारी ड्राइंग लेयर्स से बनानी होती है, लेयर्स पे, यानी कि हमारे टेक्स्ट और डायमेंशन की अलग लेयर होगी, सपोर्ट की अलग, बार की अलग और बीम की अलग। वो कैसे करेंगे देखिए, एल ए एंटर, एल ए एंटर, लेयर आ गई, पहले से ज़ीरो एक लेयर बनी हुई है, मैं एक और लेयर बनाता हूँ जिसका नाम डालते हैं बीम, एक और लेयर बनाता हूँ स्टील, एक लेयर और सपोर्ट, एक लेयर और टेक्स्ट। ठीक, कलर भी चेंज करते हैं, बीम का कर देते हैं रेड, स्टील का कर देते हैं येलो, सपोर्ट का कर देते हैं ग्रीन, टेक्स्ट का कर देते हैं हम पिंक, ये ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बीम वाली लेयर बनाई, पैक डबल क्लिक करके एक्टिवेट की और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की बीम, फिर मैंने स्टील वाली पे क्लिक किया और लाइन ड्रॉ की स्टील, फिर मैंने सपोर्ट वाली एक लाइन ड्रॉ की सपोर्ट, अच्छा एक्टिवेट नहीं हुई है अभी सपोर्ट की, ये है सपोर्ट, और एक टेक्स्ट वाली लाइन की मैंने टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बीम वाली सपोर्ट है, तो मैंने क्या किया, एम ए मैच कमांड इस पर क्लिक किया और बीम पे क्लिक किया, ठीक है, ये बीम हमारा रेड हो गया। फिर हमने स्टील वाली पे मैच कमांड लिया और ये हमारा ये सारा स्टील है।
ये हमारा स्टील है, और ये किस लिए था हमारा, ये सपोर्ट के लिए था, तो एम ए ये हमारा सपोर्ट। ठीक है, टेक्स्ट भी ये भी हो ग्रीन हो गया, इसको ठीक कर देंगे हम। ये था हमारा टेक्स्ट के लिए पिंक, सेक्शन का भी इसी को मान लेते हैं, ठीक है इस तरह से। तो इस तरह से हम लेयर पे बनाते हैं ये स्ट्रक्चर। ओके, एम ए कमांड लेते हैं, रेड से होगा ये सेक्शन भी रेडी होंगे। स्टील ले लेते हैं फिर हम, उसके बाद टैक्स, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। देखिए ऑटो कैड में ड्राइंग बनाने का सबका अलग तरीका हो सकता है, अलग शॉर्टकट हो सकते हैं, जैसे कि ये स्टीरअप आप एरे कमांड से भी बना सकते थे, ये स्टीरअप एरे कमांड से बना सकते थे, बहुत सारे टूल है, बहुत जल्दी बन सकता था, मिरर कमांड भी यूज़ हो सकता था, पर मैंने बेसिक कमांड इसमें यूज़ किए हैं जिससे आप सीख सको बिल्कुल बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग होगी हमारी कंटिन्यूस बीम की, ठीक है। और आप अगर ऑटो कैड में 3D रेंडर जो भी आप चाहते हो कि इस तरह की ड्राइंग, या आप अगर आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हो तो उसकी इमेज कमेंट कीजिए या मेरे को मेल कीजिए कि मेरे को इस तरह की ड्राइंग बनानी है, कैसे बनाऊं, तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल बना सकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।